अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें सिर्फ रेड लाइट आ रही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जी। अब मैंने इसको ओपन कर लिया जी, ये अब आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसका फॉल्ट चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जी। अब मैं इसके सबसे पहले इसके ये ग्रिप उतारने लगा, उसके बाद मैं किट को उल्टा करने के बाद चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। क्योंकि इसकी रेड लाइट आना है इसलिए सप्लाई तो इसकी ठीक है। इसके आगे चेक करते हैं इसमें क्या इसका हॉरिजॉन्टल जल चुका है या कोई और फॉल्ट है, या इसके ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जो 9 वोल्ट जो जाने हैं जंगल में और चैनल पर वो इसके नहीं आ रहे, इसमें क्या फॉल्ट है। अब चेक करते हैं क्या क्या, या इसका सिस्टम नहीं वर्क कर रहा। अब मैं सबसे पहले इसकी सप्लाई का वोल्ट चेक करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये इसके जो 110 वोल्ट आने हैं वो अब इसके 51 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, ये दूसरे वोल्ट इसके 26 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, जो वर्टिकल पर जाने हैं वो इसके 26 वोल्ट आ रहे हैं। इसके आगे ये इसके 9 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसके 11 वोल्ट आ रहे हैं। इसके इसमें फॉल्ट ये आ रहे हैं, इसके 110 वोल्ट हैं ये कम आ रहे हैं, ये सिर्फ 50 वोल्ट आ रहे हैं, बाकी इसके वोल्ट सब भी पूरे हो रहे हैं, 26 वोल्ट भी पूरे हैं। ठीक है जी, ये इसके और ये इसके आगे 9 वोल्ट भी हैं। ठीक है, ये इसके 8.5 वोल्ट भी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसके ये एच आउटपुट वाला ये सेंटर वाला वोल ओपन कर देंगे, उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे ये वोल्ट पूरे करता है कि नहीं करता, या इसको यहाँ से हम काट देंगे, ये इसका जंपर है इसको उतार देंगे यहाँ से, फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सप्लाई में फॉल्ट या आगे फ्लाई बैक या अगले हिस्से में फॉल्ट है। ये अब मैंने इसका ये वाला पॉइंट ओपन कर दिया, ये जंपर है इसमें। ठीक है जी, ये फ्लाई बैक में इन वोल्ट जो होने हैं, इसलिए अब इसके चेक करता हूँ वोल्ट क्या हमारे ये 110 पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। अब ये 41 वोल्ट वैसे हैं। ठीक है जी, ये बाकी इसके पूरे हैं, 26 वोल्ट आ रहे हैं। अब भी इसके ये 41 वोल्ट, अब ये पहले 51 आ रहे थे, अब ये 41 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर ये फ़िल्टर लगा के चेक करता हूँ क्या ये मेरे फ़िल्टर का तो फॉल्ट नहीं है, यहाँ पर फ़िल्टर होना था वो नहीं आ रहा, या इसका रेक्टिफायर ख़राब है, वो चेक करता हूँ। ये अब आप इसके वोल्ट चेक कर सकते हैं, ये अब 40 वोल्ट आ रहा है। जैसे ये फ़िल्टर के ऊपर मैं पॉइंट लगाता हूँ इसके, ये अब 102 वोल्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, इसका ये फ़िल्टर ख़राब है कैपेसिटर, इसका ये वाला कैपेसिटर इसका ख़राब है जो 110 वोल्ट के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला कैपेसिटर, अब मैं केट को दूसरी तरफ से दिखाता हूँ ये वाला फ़िल्टर, इसका ये वाला फ़िल्टर ख़राब है जी। ये आप देख सकते हैं आप, ऊपर से हल्का सा फुला हुआ भी है ये वाला फ़िल्टर इसका। अब ये मैं और चेंज करने लगा, उसके बाद 110 वोल्ट हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आगे चेक करते हैं कि हमारा यही फ़िल्टर तक फॉल्ट था या कोई और भी फॉल्ट है। अब मैं इसको निकालने लगा हूँ, इसमें जो कैपेसिटर था वो ये वाला था, इसकी ये वैल्यू है 160 वोल्ट 100 UF। ठीक है जी, ये वाला ऊपर खुला हुआ। अब मैं इसको मुतबादला और लगाता हूँ फिर चेक करता हूँ। ये अब मैंने कैपेसिटर लगा दिया, अब ये वाला जो जंपर मैंने ओपन किया था वो भी अब मैं लगा दूँगा। ठीक है जी, इसके लगाने के बाद अब ये चेक करता हूँ, इस फिल्टर लगाने के बाद अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुका है जी। अब इसके वोल्ट चेक कर लें। ठीक है जी, ये अब 102 वोल्ट दे रहा है। ठीक है जी, इसके आगे ये 26 वोल्ट वैसे ही, ये इसके नीचे 10 वोल्ट, इसके नीचे 12 वोल्ट। ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है जी। ठीक है जी,
अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।